स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जरा देखिए, यहाँ पर हमने सर्किल ऑलरेडी बना रखा है जिसकी रेडियस आर एज्यूम किया है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, सर्किल नहीं है, ये व्हील है, तो व्हील सर्कुलर ही होती है भैया कार का, तो डायमीटर उसका 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 40 अपॉन 100 करेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इट मींस ये हो जाएगा 66000 अपॉन आवर्स, 1 आवर्स में होता 60 मिनट, इसलिए अपॉन 60 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 1100 मीटर पर मिनट, तो पर मिनट का मतलब स्पीड हुआ 1100 मीटर, एक मिनट में पहिया 1100 मीटर जा रहा है, डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, ट्रेवल करेंगे। तो अगर हम 10 मिनट में निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11000 हो जाएगा ना, 11000 मीटर। डाउट है? डाउट है कि नहीं? तो 10 मिनट में 11000 मीटर हो गया। अब आप जरा सोचिए ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी कार 10 मिनट। अब ये कह रहा है कि पहिया कितनी बार घूमेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब पहिया कितनी बार घुमा हुआ है जाने के लिए, तो पहिया जो होता है, जो सर्किल होता है, सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करते हैं, इसके बराबर सर्कमफेरेंस के बराबर। तो सबसे पहले आप सर्कमफेरेंस निकालो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, ये होता है 2πr, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो देखो स्टूडेंट्स, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपने निकाल लिया 2πr से 17.6/7 मीटर, तो ये एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया वो मिल गई आपको एक चक्कर में। अब कितने चक्कर लगाएगी, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कितना है 11000, तो 11000 अपान एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपान में कर दिया, डिवाइड कर लिया, इसको सिंपलीफाई किया, डेसिमल हटाया, तो ये आ जाएगा 70000 अपान 16, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4375। तो पहिया इतनी बार घूमेगा 10 मिनट में इस स्पीड से अगर कार जा रही है तो, ओके समझ गए कि नहीं, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं।